टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ भावना, आपकी होम किचन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। सो आज मैं आपके लिए एक हॉल लेके आई हूँ। बेसिकली हॉल वीडियो है जिसमें मैं एक्ने प्रोन स्किन या पिंपल्स वाली स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आपकी एक्ने प्रोन या पिंपल प्रोन स्किन है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही सेफ है आपकी स्किन के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके पिंपल हैं, आपके स्पॉट्स ना पड़े या आपका जो पिंपल है वो आपको पॉप ना करना पड़े, तो ये प्रोडक्ट्स आप आराम से यूज कर सकती हैं। सो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो हमेशा हम सोचते रहते हैं नाइट में हम क्या लगा के सोएं जो हमारी स्किन पे अच्छा सा ग्लो भी रहे, हमारे जो मार्क्स हैं वो फेड भी होते चले जाएं। सो ये प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से मार्केट में है, बट ये अभी मैंने रिसेंटली बाय किया है तो मुझे लगा अभी आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो वो है ये प्लम की तरफ से ग्रीन टी फेस जेल। ये एक जेल है जो आप रात को एज ए नाइट क्रीम अपने स्किन पे लगा सकती हैं। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ आता है, तो जो ग्रीन टी है वो एंटीऑक्सीडेंट के साथ भरपूर होती है जो हमारी स्किन में हमेशा डेली नीड होती ही होती है। तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, लाइट ग्रीन कलर की जो जेल है ये आप अपनी स्किन पे रात को लगा के सो सकते हैं एज ए नाइट क्रीम। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा क्योंकि इसमें ग्रीन टी है। सेकेंडली आपकी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके रखेगा, एक अच्छा सा ग्लो आपके फेस को देगा। थर्डली आपके अगर फेस पे एक्ने मार्क्स हैं उनको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, न्यू एक्ने जो है वो फॉर्म ना हो इसका ये ध्यान रखेगा। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अपने स्किन पर देख सकते हैं। सो अगर आपकी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप कोई भी क्रीमी नाइट क्रीम लगा के ना सोएं, क्योंकि वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकती हैं जिससे हमारे नए पिंपल्स आने के चांस रहते हैं। तो आप हमेशा जेल फॉर्म में ही जो क्रीम है उनको यूज़ करें। तो आप इसको डेली एज अ नाइट क्रीम लगा के सो सकते हैं और अपने चेहरे में फ़र्क देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारे ब्लैकहेड्स के लिए। हम देखेंगे यहाँ पे हमारे नोज़ पे ब्लैकहेड्स हो जाते हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा DIYs करने पड़ते हैं और पार्लर में जाके निकलवाना पड़ता है, बट अभी आप ये घर पे आराम से कर पाएंगे वो इन 4 strips के साथ। सो ये जो मैंने बाय किया है ये 2 का पैक था। इसको बेसिकली आपको अपनी नोज़ को वेट करने के बाद इसको अच्छी तरह से चिपकाना है। ये चारकोल बेस्ड है तो ये आपकी स्किन पे अच्छी तरह से चिपक भी जाएगा जब आपकी नोज़ गीली होगी। उसके बाद जब वो 15 मिनट बाद सूख जाए, थोड़ा टाइटन अप हो जाए, तो आप इसको धीरे धीरे से पील ऑफ कर दीजिएगा। स्पेशली अगर आपकी वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो ये आपको काफ़ी रिलीफ देने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आपकी नोज़ पे या आपके यहाँ पर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली वैसे ये नोज़ के लिए है, बट मैं इसको कभी कभी यहाँ पर भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी हमारे वाइट हेड्स आ जाते हैं। तो ये है सेकेंड प्रोडक्ट एक्ने प्रोन स्किन के लिए। जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये, मैंने रिसेंटली बहुत इसके ऐड देखती थी, स्पेशली बाहर के यूट्यूबर्स को बहुत यूज़ करते हुए देखा है। सो अभी ये अमेजन पर भी अवेलेबल है। ये हमारे पिंपल पैच हैं। अगर आपको कोई भी पिंपल हो जाता है, जैसे ही आपको दिखे कि ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इस पैच को अप्लाई कर लीजिए तो ये उसको एक तो साइज़ छोटा करेगा, अगर वो पस पड़ने वाला है उसमें तो ये पस भी नहीं पड़ने देगा, आराम से उसको वहीं पर डिजॉल्व कर देगा। तो इसमें आपको मिल जाते हैं लगभग 57 पैचेस, तो आप इसको 57 बार जब भी आपके पिंपल होता है जब इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको हर साइज़ की डॉट्स मिल जाएंगी। अगर आपका पिंपल छोटा है तो छोटी डॉट मिल जाएगी, बड़ा पिंपल है तो बड़ी डॉट मिल जाएगी। तो आप इसको आराम से अपने फेस पे लगा सकती हैं। रात को स्पेशली इसको लगा के सोइए क्योंकि इसको 6-7 घंटे छोड़ना पड़ता है, तो आप रात को इसको लगा के सो जाइए, सुबह उसको आराम से रिमूव कर दीजिए। तो आप देखेंगे, आप इसको डेली भी कर सकते हैं जब आपका पिंपल जब तक रिमूव नहीं होता, जब डेली भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो आप अपने पिंपल को पॉप नहीं कर रहे हैं, तो उसमें निशान जो हमारे पड़ जाते हैं पिंपल्स के बाद तो वो पड़ना बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब निशान नहीं पड़ेंगे। तो आप इसको पिंपल पॉप करने के बदले इसको एक बार ट्राई करके देखिए। फर्स्ट टाइम मैंने इसको बाय किया है एंड अभी देखते हैं, होप सो ये अच्छी तरह से वर्क करे। सो ये थे मेरी तरफ से 3 प्रोडक्ट्स जो एक्ने प्रोन पिंपल प्रोन स्किन के लिए बेस्ट रहेंगे अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन की टेक केयर अच्छी तरह से करना। एंड इसके अलावा मैंने एक और प्रोडक्ट बाय किया है जो है हमारी फ्रेग्रेंस के लिए, क्योंकि इन ह्यूमिडिटी वाले सीजन में हमें अच्छा स्मेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पसीने की जो स्मेल होती है बहुत ही बहुत ही टैकी लगती है। तो इसके लिए मैंने बाय किया है अपने लिए फॉग की तरफ से परफ्यूम। आपको पता ही है फॉग परफ्यूम रेंज में कितनी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, कितनी अच्छी स्मेल बनाता है। अभी मैंने जैसे ओपन भी नहीं किया है, तो मैं इससे पहले इसी फ्रेग्रेंस का जो परफ्यूम है वो यूज़ करती थी फॉग का, तो मेरा वो ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए मैंने ये दोबारा रीऑर्डर किया है। एंड
फॉग चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों के ही परफ्यूम्स जो बनाता है बहुत ही बेस्ट बनाता है। सो ये है आई एम क्वीन रेंज में एंड ये भी मैंने अमेजन से बाय किया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकती हैं। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की जो पैकेजिंग है वो इसमें आपको मिल जाती है एंड इसकी जो बॉटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है। आप यहाँ से अपने परफ्यूम को देख सकते हैं कि कितना रिमेनिंग रह गया है एंड इसकी जो स्मेल है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग स्मेल है, आपको एकदम तरोताज़ा कर देगी। वाओ, तो ये स्मेल काफ़ी अच्छी है। अगर आप देख रहे हैं अपने लिए कोई अफोर्डेबल परफ्यूम देखना कि आपको वो टेस्ट ना करना पड़े, बट आप जब उसको स्मेल करें आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे, तो आई एम श्योर आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। इसकी स्मेल अमेजिंग है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ही सूदिंग ठंडी ठंडी स्मेल है, तो आप इसको ज़रूर चेक कर सकती हैं। इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकती हैं। सो अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकती हैं। उसके अलावा मेरे MHS स्टोर का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आपको इसी तरह से अमेजिंग से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकती हैं। आपको वहाँ पे क्लोदिंग हॉल मिल जाएगा, आपको वहाँ पर मेकअप हॉल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके आराम से चेक कर सकती हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।